सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि ऐसे बच्चे जिनके सर से पिता या अभिभावक का साया उठ गया है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों का सहारा हमारी सरकार रहेगी। ऐसे दुखी परिवारों को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। इन परिवारों को 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी, इसी के साथ उन्हें निःशुल्क राशन भी दिया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना महामारी ने कई परिवारों को तोड़कर रख दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे का सहारा छीना गया है। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें मासूम बच्चों के सिर से अपने पालक पिता या अभिभावक का साया उठ गया है। ऐसे बच्चों के सामने अब जीवन यापन की समस्या आ गई है, इसलिए ऐसे परिवारों को पेंशन व निःशुल्क अनाज के साथ इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चिंता भी सरकार करेगी। उनकी शिक्षा का पूरा प्रबंध सरकार करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर पीड़ित परिवारों में कोई कमाने वाला सदस्य या पति नहीं रहा हो, ऐसे में हमारी बहन जो काम धंधा करना चाहे सरकार उनको गारंटी पर बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध करवाएगी, ताकि वो अपना काम धंधा जीवन यापन प्रारंभ कर सके। कोरोना महामारी ने कई परिवारों को तोड़ के रख दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे छिन गए, और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें मासूम बच्चों के सिर से अपने पालक, अपने पिता, अभिभावक का साया उठ गया है। ऐसे बच्चों के सामने अब जीवन यापन की समस्या उठ खड़ी हुई है, और इसलिए हमने फैसला किया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी, ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा, ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सके। पात्रता ना होने के बावजूद भी ऐसे परिवार को फ्री राशन दिया जाएगा, ताकि भोजन का इंतजाम हो सके।